नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। जनाएं कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। ये संक्रमित बीमारी तो है ही, साथ में एक मानसिक बीमारी भी है। लोग एक मानसिक डर है, उस डर से लड़ना है हम लोग को। और आप आराम से घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं, गर्म पानी पीजिए, विटामिन सी लेते रहिए, कुछ नहीं होना है। इसलिए इसे डरना नहीं है, यही संदेश देना है सबको। एकदम आप डरिए मत, हम लोग भी थे, पूरे स्टाफ हुए थे, हम लोग सब साथ में ही रहे, किसी को कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप सबको भी है कि आप डरिए मत, आराम से ठीक हो सकते हैं, घर में ठीक हो सकते हैं और सिर्फ गर्म पानी से ही ठीक हो सकते हैं। और सर, काफी लोग मास्क नहीं लगा रहे, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मास्क तो लगाना ही है, मास्क नहीं लगाने पे एक तो खुद की अपनी लापरवाही है, उसके साथ अगर नहीं लगाते हैं तो हम लोग बहुत सख्ती से फेस आएंगे। और हम लोग भी फिट है, हम लोग भी फील्ड में आ ही रहे हैं, तो एक संदेश है कि जो नहीं लगे तो उससे बहुत ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छे से तो क्या माना जाए सर, अभी जो लॉकडाउन वर्तमान में लगा हुआ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उल्लंघन हो रहा, तो क्या आप फिर से सड़क पर उतर के कार्रवाई किया जाए सर? ना, हम लोग उन पर एक्शन लेंगे जो लोग भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने समझाने को इसकी, हमने लगा, हम लोग अपने स्तर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में सर ये समस्या ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग मास्क नहीं लगाते हैं, सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो ऐसे ही घूम रहे हैं। उसके लिए सर क्या हम लोगों ने माइकिंग का व्यवस्था किया था, लाउड स्पीकर से भी लोगों को संदेश दिया जा रहा है, हर स्तर पर संदेश दिया जा रहा है, और जो नहीं होता है हम लोग उसे देखते हैं, उसको कड़ी कार्रवाई करवाने का संदेश है। कई दुकानें सर अभी